हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कट क्रीज मेकअप ट्यूटोरियल। एंड मैं आपको बेसिक सिखाऊंगी कि कैसे आपको कट क्रीज करना है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम ये क्रीम से करेंगे। हम इसको हम अपने स्किन तो गाइज जो मैं सबसे पहला जो शेड ले रही हूँ वो मैं ये ग्लो आई शेडो की पैलेट में से ये वाला शेड लूंगी, दिस स्पार्कली मैरून शेड। एंड इससे मैं अपने आउटर कॉर्नर्स पे इसको अप्लाई करूंगी। तो इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर रही हूँ। और मैं कंसीलर ले रही हूँ, ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर पैलेट में ले रही हूँ। अपने फ्लैट ब्रश में मैं ये कंसीलर लूंगी, ये वाला शेड में ले रही हूँ। एंड अब आपको क्या करना है कि अब आपको अपनी क्रीज को कट करना है। तो क्रीज को कट करने के लिए पहले आपको यहाँ पे नीचे अप्लाई करना है कंसीलर। जैसे आपको अगर हाफ कट करनी है तो आपको करना है, फिर आपको अपनी आईज ऐसे ऊपर खोलनी है। तो यहां तक आपकी कट क्रीज होगी, ये इधर तक ऐसे आपकी कट क्रीज होगी। एंड ऐसे आपको कट क्रीज करनी है, ये इस तरीके से। ऐसे आपको क्रीज को कट करना है। सिमिलरली मैं अपनी लेफ्ट आई पे भी करूंगी। इधर पहले आपको नीचे लगाना है, फिर आपको अपनी आईज खोलनी है, फिर आपको एक सेमी सर्कल टाइप्स बनाना है और अपनी हाफ लिड कवर करनी है कंसीलर से। इस तरीके से ऐसे आपको अपनी क्रीज को कट करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपनी क्रीज फिल करनी है। तो जो मैं फिल करूंगी, जो मैं कलर में जिससे मैं फिल करूंगी वो मैं ये वाला शेड ले रही हूं। ये एक शिमर शेड है और बहुत ही प्यारा लगता है कट क्रीज पे। तो इसको मैं अपनी क्रीज के ऊपर इस तरीके से अब मैं अप्लाई कर रही हूं आईलाइनर। मैं अपनी जो मेरी जो ये आईज का जो ये वो है ना, इधर ब्रो बोन, इसमें हल्का सा मैं व्हाइट शेड ले रही हूं और अपनी ब्रो बोन्स को हाईलाइट करूंगी इस व्हाइट शेड से, तो वो थोड़ा सा शेड अच्छा लगेगा। तो वो ब्रो बोन थोड़ी सी हाईलाइट हो जाती है इससे, तो ये अच्छा लगता है। फिर हल्का सा आईज के नीचे में काला, सो गाइज ये फाइनल लुक है मेरा। एंड आई होप कि आपको ये लुक अच्छा लगा हो। अगर आपको ये पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस।
and this is a cut crease tutorial, and it can also be used in this look can also be used in your festivals like Diwali, Dashera or any ceremony in your functions. ये बहुत अच्छा look है. इसको मैंने मैरून शेड और आपको पता है शिमर शेड से मैंने इसको क्रिएट किया है. सो प्लीज़ ट्राई करना इस लुक को एंड डू गिव इट अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो. सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर.